हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है, अचानक से मेरा प्लान बन गया कि मुझे बैंडेल जाना है, और बैंडेल में लहड़ी बाबा आश्रम, जो कि काफ़ी फेमस जगह है, तो वहीं जाने का अचानक से प्लान बन गया। ड्यूटी से आते ही पता नहीं क्या माइंड में आया, जो मेरा मन किया कि चलो चलते हैं लहड़ी बाबा आश्रम। तो अभी निकल चुका हूँ और रास्ते में ही हूँ, तो देखते हैं, लगभग पहुँचने में 30 मिनट्स तो यहाँ से लग ही जाएगा। ये ब्रिज जो है गाइस, ये हुगली नदी पर बना हुआ है, और इस ब्रिज का जो नाम है वो है ईश्वर गुप्ता सेतु, जो कि बांसबेड़िया से लेकर के जो है ये कल्याणी को जोड़ता है। और ये ब्रिज का जो लंबाई है लगभग 1056, यानी कि 1056 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास है। और सच बताऊँ तो इस ब्रिज को मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इसका रीज़न ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम कांचड़ापाड़ा आ रहा था, तो उस टाइम जो है हम लोग इसी ब्रिज से होते हुए कांचड़ापाड़ा पहुँचे थे, वो भी लॉकडाउन के टाइम में। और उस टाइम ना तो मुझे इस ब्रिज के बारे में कुछ भी पता था, और ना ही कांचड़ापाड़ा के बारे में। और ये गाइज मेरा सबसे पसंदीदा जगह, मतलब कि मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, मन करता है यहाँ रोक करके मैं बस इसका नज़ारा देखता ही रहूँ। और मैं बता दूँ कि ये जो ब्रिज है, ये सारा जो है मिल जाता है GT रोड में, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड में। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं रॉन्ग साइड से चला रहा हूँ गाड़ी। मैं जानबूझ करके रॉन्ग साइड आया, क्योंकि मुझे जो है ऊपर से ब्रिज का नज़ारा देखना था। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, अभी बोर्ड में लिखा हुआ था कोलकाता जो है, मतलब कि यहाँ से 54 किलोमीटर है, पर मुझे बैंडल जाना है। अब बैंडल मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। लहड़ी बाबा आश्रम जो है गाइज, वो मेन रोड पर नहीं है, बल्कि थोड़ा अंदर गली घुस करके जाना होगा। ये मुझे भी पता नहीं था, मैं खुद गूगल मैप को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। ऐसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बार और आ चुका हूँ, पर फिर भी मुझे जो है गूगल मैप का हेल्प लेना ही पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अभी सबसे पहले जो है गाड़ी को पार्किंग में लगा देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं मंदिर और करते हैं दर्शन मंदिर का। पहुंच चुका हूं मंदिर, और अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं
किस तरह से है। वाओ ये कितना क्यूट सा है। ये बड़ा वाला मुझे पता नहीं क्या है पर बड़ा ही अजीब लग रहा है, मतलब कि अच्छा भी लग रहा है। इधर तो ये सब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कि मुर्गा मुर्गी सब चल रहा हो अंदर में। ये कितना अच्छा है मतलब मोड। मैन मंदिर के प्रांगण में घुसने से जस्ट पहले जो है बगल में यहाँ पर जो है जूता चप्पल रख लिया जाता है, 2 रुपए लेकर के आपको टोकन मिल जाएगा। खोजा गली गली वो तो यहाँ पड़ी मिली। बकवास डायलॉग। तो भाई ये बार बार विसिल बज रहा है क्योंकि अब सबको जो है निकालने का टाइम हो गया है, शाम हो गया है, तो इसीलिए सबको बाहर कर रहा है, जिसकी वजह से ये विसिल बजा बजा करके बोल रहा है भाई बाहर निकलो बाहर निकलो, अब कोई अंदर नहीं आएगा, अब सिर्फ सबको ही बाहर जाएगा। तो भाई लेट भी काफ़ी हो गया है, घुमा हुआ भी हो गया है, और चलते हैं जल्दी से यहाँ से घर डायरेक्ट।